क्या गामा रेज हमें हेल्प बना सकती है? क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? वेल, इस सवाल का सही जवाब तो आपको तभी मिल सकता है जब आप कुछ चीज़ों को बारीकी से समझ लो, जैसे कि हेल कौन है, क्या है, कैसे बनना है, गामा रेज क्या है। जब आप इन चीज़ों को बारीकी से समझ जाओगे तो हमारा जो मेन सवाल है क्या गामा रेज हमें हेल्प बना सकती है, उसके जवाब तभी पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हल कौन है, क्या है और कैसे बना है। मार्वल मूवीज और कॉमिक्स का जो सबसे फेमस कैरेक्टर है वो है हल्क। हल्क एक ग्रीन स्किन का जायंट है जिसमें इनक्रेडिबल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसे जितना ज़्यादा गुस्सा आता है वो उतना स्ट्रांग बनते चले जाता है। लेकिन हल्क तभी एग्जिस्ट करता है जब ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है। जब ब्रूस बैनर के दिल की धड़कन 200 से ऊपर पहुंच जाती है स्ट्रेस एंड एंग्जायटी किसी डेंजरस सिचुएशन में, Hulk is nothing but the second personality of the Bruce Banner. अब हम बात करें कि Hulk कैसे बना है। 2003 के अंदर एक मूवी आई थी Hulk, जिसमें दिखाया गया था जो Bruce Banner के फादर होते हैं David Banner, वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं और रिसर्च कर रहे होते हैं किस तरह से ह्यूमन की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। इसके लिए वो कुछ सीरम्स बनाते हैं और खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर जो DNA मौजूद होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है और ये DNA म्यूटेशन Bruce Banner में भी पास ऑन हो जाती है। फिर आगे मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि 30 साल बाद ब्रूस बैनर भी एक साइंटिस्ट बन चुका है और नैनोमैट्स पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन एक दिन लैब के अंदर एक्सीडेंट होने की वजह से ब्रूस बैनर गामा रेस के संपर्क में आता है, जो उसके म्यूटेंट डीएनए के साथ मिलकर उसकी बॉडी में फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है और उसे हल्क बना देती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर गामा रेस क्या है और क्या कर सकती है। लाइट की सबसे हाईएस्ट एनर्जी की फॉर्म है वो है गामा रेस। गामा रेस के अंदर लगभग 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी होती है विजिबल लाइट रेज के कंपैरिजन में। विजिबल लाइट रेज वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसे ह्यूमन आई परसीव कर सकती है, यानी जिस लाइट को हम देख सकते हैं। बट गामा रेज वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसे ह्यूमन आई परसीव नहीं कर सकती, यानी जिस लाइट को हम लोग देख नहीं सकते। गामा रेज में बहुत ज्यादा एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होती है, इसी वजह से गामा रेज जो पेनेट्रिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गामा रेज कई इंच की मोटी लैड, कॉन्क्रीट और स्टील की परत को भेज सकती है। यहाँ तक कि गामा रेज इंसानी शरीर को भी पूरी तरीके से भेज सकती है। इसी वजह से गामा रेज बहुत खतरनाक होती है। अगर कोई भी व्यक्ति गामा रेज के संपर्क में आ जाए तो ये उस व्यक्ति के सेल्स और डीएनए को बहुत नुकसान पहुँचाती है। गामा रेज का रेडिएशन ह्यूमन सेल्स और डीएनए के अंदर विध्वंस मचा देता है, डिसरप्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को कैंसर और उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम हमारे मेन सवाल पर पहुंच चुके हैं कि क्या गामा रेज हमें हल्क बना सकती है। वेल, जितना भी अभी तक हमने जाना समझा है उसी हिसाब से तो यही लगता है कि गामा रेज हमें हल्क तो नहीं बनाएगी, लेकिन कैंसर पीढ़ी जरूर बना देगी और हमारी जान ले लेगी, क्योंकि अभी हमारे सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गामा रेज की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके। लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी पॉसिबल है, साइंटिस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं या कुछ वैसा ही सीरम क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि ब्रूस बैनर के फादर डेविड बैनर ने किया था, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दे, इसकी वजह से हम लोग गामा रेज को टॉलरेट कर सके जिस तरह से ब्रूस बैनर करता है, और हम भी ट्रांसफॉर्म कर सके हल्क के अंदर जिस तरह से ब्रूस बैनर करता है।